सो यो गेमर गाइज, वेलकम बैक टू गेमर एक्स 123। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। लेकिन गाइज GTA 5 के अंदर हम दोबारा से एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो गाइज आज मैं GTA 5 को खेलने जा रहा हूँ वर्स्ट ग्राफिक्स पॉसिबल पे। तो गाइज अभी आपके सामने यार ये जो ग्राफिक्स हैं ये काफी ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं जो कि मेरे पीसी पे चल रहे हैं। अभी यार ये गेम मेरी कोई 40-50 FPS पे चल जाती है हाई सेटिंग्स पे। अभी मैंने कुछ सेटिंग्स इसकी वेरी हाई पे किए हुए हैं और रिकॉर्डिंग की वजह से यार इसके FPS थोड़े से गिर जाते। लेकिन गाइज आज हम इसको सबसे गंदे ग्राफिक्स पे खेलेंगे जो जितना ये गेम हमें इजाजत देती है खेलने के लिए। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड। और यार एक चीज और, मैं आजकल अपने मेन चैनल पे ज्यादा एक्टिव हुई नहीं, तो यार गाइस आई एम सॉरी, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इस हफ्ते काफी सारी वीडियोस डाल दूं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार अब हम सबसे पहले तो एस्केप की दबाएं। यार ये कौन सा बटन दबा रहा हूं मैं? तो गाइस यहां से हम अपनी सेटिंग करना शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफिक्स पे हम सबसे पहले आते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस टाइम खेल रहा हूँ फुल स्क्रीन 1920x1080। अब हम इसके रेजोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा गिराने वाले हैं, मतलब जितने इसके कम तर रेजोल्यूशन हो सकते हैं उतना अच्छा है। तो अब देखते हैं कि ये गेम कितना इजाज़त देती है हमको। ओके तो गाइज ये हमें दे रही है 800x600, मतलब ये गेम का सबसे ज़्यादा कम रेजोल्यूशन है और मेरे ख्याल में ज़्यादातर होता भी यही है। तो यार अब हमने इसको 800x600 पे कर दिया है और फुल स्क्रीन पे ही मैं इस गेम को चलाने वाला हूँ। तो गाइस अब हम इसको करने जा रहे हैं यस और देखने जा रहे हैं कि कितने बकवास ग्राफिक्स हमको देखने को मिलते हैं। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? 3, 2, 1। अबे यार यस करो, सारा काउंटडाउन ही खराब कर दिया। थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्विट हो रही है गेम इस टाइम और इसके बाद ये खुद ब खुद ही रिस्टार्ट होने वाली है। तो यार मैं तो गाइस काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। ओके लोडिंग हो रही है, अब देखते हैं कि 10 घंटे की लोडिंग स्क्रीन हमें दोबारा देखने को मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि सेटिंग हमने कम कर दिया है तो अब हमें इतनी लंबी चौड़ी लोडिंग स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। अबे ये किस तरीके का चल पड़ी गेम। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितनी छोटी स्क्रीन पर यह गेम चली है इस टाइम। अबे यार ये देखो क्या थक्कड़ रेजोल्यूशन आ रहे हैं। वो इतना बड़ा बड़ा लिखा रहे बोरिंग फॉस्टिन 140 है साइंड इन फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट। अभी तो गाइस गेम के अंदर जाएंगे तब पता लगेगा। अबे ट्रेवर बेचारा तो पूरा ही नहीं आ रहा यार, बेचारा ट्रेवर। यार मुझे लगता है मैं GTA San Andreas का कोई मॉड इस्तेमाल कर रहा हूँ GTA 5 वाला, सच्ची मुझे ये लग रहा है अभी तक। तो आपको गाइस जो लग रहा है आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर से कर देना यार, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई मॉड इस्तेमाल नहीं किया है कि मॉड की वजह से गेम बहुत ही ज़्यादा पोटैटो लगे। तो मैंने यार जितना कम तर हो सकता था अभी कर दिया है। लेकिन अगर गाइस आपको लग रहा है कि कुछ सेटिंग्स अभी मैंने कम नहीं किए हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि अगली बार भी मैंने अगर गेम चलाया है तो मैं एक बार उसको चेक कर लूँ कि अगर ये सेटिंग कम कर देते तो कैसी लगती है गेम। यार अब आप देख सकते हो कि ये जो फ्रैंकलिन है ये अपने घर में ही है और इस टाइम यार GTA San Andreas जैसी फीलिंग अगर किसी को नहीं आ रही ना तो उसने GTA San Andreas ही नहीं खेली अभी तक। तो यार गाइज इस टाइम यार मुझे ना बहुत ही गंदे ग्राफिक्स आ रहे हैं सच्ची। यार अगर आपका नहीं पता कि आपको ये ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, लेकिन यार ये बकवास ग्राफिक्स हैं इस टाइम फुल। मतलब यार आप रोड का टेक्सचर चेक करो, रोड भी सारी मतलब अभी उस ब्लरी ब्लरी टाइप है। डिस्टेंस स्केलिंग बिल्कुल जीरो है। पॉपुलेशन वैरायटी भी जीरो पे की हुई थी मैंने और दूसरा भी एक था मतलब ऑप्शन थी वो भी मैंने जीरो पे ही की हुई है। हाँ व्हीकल इतनी नहीं होगी गाइज हमको देखने वाली गेम के अंदर। और गाइज अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा गेम प्ले करके दिखाऊंगा, उसके बाद गाइज हम एक और चीज़ भी करने जा रहे हैं कट सीन के अंदर भी देखने वाले हैं कि कट सीन के अंदर में किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो गाइज सबसे पहले हम गेम प्ले करते हैं थोड़ा थोड़ा। सो गाइज इस टाइम माइकल हुआ पड़ा है फुल नशेई और यार आप देखो सही यार सैंडी शोर्स के ग्राफिक्स यार कितने फटीचर किस्म के लग रहे हैं यार सच्ची। गाइज मैंने ये चीज अपने कोई मॉड इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस वीडियो के अंदर और जैसे कि मुझे पता था ट्रेवर कर रहा है सुसु। और गाइज आप देख सकते हो कि यार ये काली काली साइड पे आ गई है, इसको पता नहीं क्या कहना चाहिए। और बीच में गेम चल रही है, ऐसे लग रहा है किसी बंदे ने शॉर्ट फिल्म बनाई हो। अभी गाइस डेव नॉर्टन और स्टीव हेन्स ने एंट्री करनी है तो हम उनके भी ज़रा शक्लें देखेंगे कि किस तरह की शक्लें हैं। मैंने कभी भी शायद आप लोगों से ये नहीं पूछा कि आपको कौन सा कैरेक्टर GTA 5 में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना क्या आपको माइकल पसंद है, फ्रैंकलिन पसंद है या ट्रेवर पसंद है।
या आपको अपना GTA ऑनलाइन का कैरेक्टर पसंद है? मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो है माइकल। तो यार स्टीव हेन्स और डेव नॉर्टन तो फिर भी कैरेक्टर्स कुछ ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो शक्ल पे मार्क्स वगैरह हैं, कुछ जख्म जुखम है, वो इतने ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं है। सो गाइस अभी आलू शालू तो नहीं लग रहे, लेकिन ग्राफिक्स बहुत आलू है। तो यार छोड़ो गाइस, अब हम खेलने जा रहे हैं एक मिशन और फिर देखा जाएगा कि किस तरीके का गेम प्ले होने वाला है। तो गाइस मैं इस टाइम बहुत ज्यादा करीब हूँ अपनी लोकेशन से, और यार हम प्लेट्यू बे के अंदर आए हुए हैं। ये दरख्त का हाल देखो गाइस, जो सामने दरख्त गाइस आपको नजर आ रहे हैं, इनका हाल तो गाइस जरा चेक करें आप, क्या बकवास है यार। असल में गाइस मैंने ये कभी भी ग्राफिक्स नहीं खेले हैं इतने लो पे, और मैं गाइस ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने वर्स्ट ग्राफिक्स पे खेल रहा हूँ। वरना गाइस मैंने अपने एक्सबॉक्स 360 के अंदर भी ये गेम खेली भी है, लेकिन यार मतलब इतने गंदे ग्राफिक्स पे मैंने ये गेम कभी भी नहीं खेली है। और आप गाइस देख सकते हो कि यार मतलब घास विजिबल ही नहीं है, और गाइस आगे जो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मतलब ना किसी ने वो कर दी हो, कलरिंग की हो या ड्राइंग बनाई हो किसी ने। तो गाइस एक्स्ट्रा सनी पे अभी वेदर हुआ है, और यार इस पे कुछ गेम बेहतर लग रही है पहले के निस्बत। लेकिन फिर भी गाइस आप डिस्टेंस स्केलिंग अगर चेक करो, जीरो पे की हुई है, और मतलब कितने बकवास ग्राफिक्स हैं इस टाइम। तो गाइस जिनके पास पीसी इतना अच्छा नहीं है या जिनके पास लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है कि मतलब उनमें इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ और वो GTA 5 खेलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में यार मतलब काफ़ी पुराना लैपटॉप भी अब चला लेगा अगर वो 2015-14 का। यार यही थी आज की वीडियो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और गाइस आपको लगता है कि यार मतलब ये गेम के ग्राफिक्स बहुत ही फटीचर हैं, तो यार आप लाइक जोर से कर देना। और अगर गाइस आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अबे ट्रेवर छुपते कर, तो गाइस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब जोर से कर देना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको गाइस मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस गुड बाय, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।